हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर आंदोलन जारी, परशुराम सेवा समिति ने एसडीएम के तिलक व स्वस्ति वाचन कर ज्ञापन सौंपा। भीनमाल, नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा नर्मदा के पानी की मांग को लेकर स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित बेमियादी धरना प्रदर्शन और पीएम व सीएम के नाम हस्ताक्षर अभियान के 23वें दिन मंगलवार को धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान परशुराम सेवा समिति भीनमाल द्वारा धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया। परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष महेश बोहरा के नेतृत्व में पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2013 से लंबित नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य इसी वर्ष पूर्ण करवाकर नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाया जाए। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर महेश ठाकुर, नीलेश दवे, शेखर व्यास, हितेश ठाकुर, धीरज बोहरा, श्याम सुंदर दवे, मयूर बोहरा, दीपक त्रिवेदी, अरविंद बोहरा, कैलाश बोहरा, मुकेश बोहरा, दामोदर, सुरेश बोहरा, कुलदीप ओझा, सुभाष बोहरा, लेखराज त्रिवेदी, दिनेश ठाकुर, महेश दवे, चंद्रशेखर ओझा, शैलेश दवे, अंकित बोहरा, दिनेश बोहरा, संकेत बोहरा, कल्पेश ओझा, मनीष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में परशुराम सेवा समिति के सदस्य मौजूद थे। रैली के दौरान युवाओं के हाथों में मांगों को लेकर नारों से लिखी तख्तियां थामी हुई थी। इधर धरना प्रदर्शन के 23वें दिन सरकार व प्रशासन की आंखें नहीं खुलने और धरना को हल्के में आंकने से नगर व ग्रामीण क्षेत्र में वाशिंदों में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। जागरूक टीवी के भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।